The song is sung by Sadandev. It's about giving power to women. It's about bringing equality to women in the society and giving them the rights that they totally deserve. आप क्या कहना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम बादशाह तालुकदार है and I'm the director and also partly the producer of the song. And मैंने ये जब सिद्धांत ने मुझे इस गाने के बारे में बताया था तो मैं बहुत ही गाना सुन के लिरिक्स जो मीन करता है जो डेडिकेटेड टू ऑल दी वुमेन उसी हिसाब से मैंने एक वीडियो डायरेक्ट किया है इस गाने पे. सो कल हम लोग रिलीज हाँ कल हम रिलीज़ करने वाले इस गाने को. और हाँ दिस सॉन्ग स्पीक्स अबाउट यू नो टेलिंग द वुमेन नॉट टू गिव अप इन लाइफ रादर फाइट दैट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल अलाइव ऑन अर्थ. आप लोग कभी गिव अप ना कीजिए. वही हम मैसेज एक जो वीडियो के द्वारा हम एक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वही है. कितने सिंगर हैं इसमें? सिंगर सिद्धांत देवी है जो सिंगर और कंपोजर सिद्धांत देव है उन्होंने किया है. बाकी जितने जिन्होंने एक्ट किया है इस वीडियो में और बहुत सारे रियलिस्टिक शॉट्स भी है जो रियल एक्टर्स ऑफ लाइफ है जिन्होंने रियलिटी देखा है उन पे भी है कुछ पिक्चराइजेशन किया है हमने वहाँ पे वीडियो पे. और बस इतना ही है हमारे तरफ से. तो गाने का नाम उड़ने दो है और यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 डोंट गिव अप इन लाइफ जस्ट कीप फाइटिंग एंड स्पीक आउट to for your own rights the rights that you've been fighting for the identity that you deserve. So to all the women we love you, we are always there for you. And so mera naam Siddhant Deb hai and I have composed this song and I have written this lyrics 6 years back. It is about women empowerment. To jab 2012 mein Nirbhaya rape case hua tha so I was very deeply touched with that incident. तो मैंने तभी सोचा कि हम सब सोचते हैं हमें बुरा लगता है इस बारे में. वी फील सैड अबाउट द फैक्ट बट वी डू नॉट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट वी फील बैड अबाउट. रैदर देन जस्ट एक्नॉलेजिंग इट एंड फीलिंग सॉरी अबाउट इट व्हाई नॉट कम अप एंड डू समथिंग. ये गाना बनाने के समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितने लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है, कितने लोगों ने अपना थाट्स जाहिर किया है थ्रू प्ले कार्ड्स. आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वट एवर दे फील इन साइड दे कुड टेल अस थ्रू द प्ले कार्ड. तो मैंने एक छोटा सा स्टैंड लिया, आई मेड अ स्मॉल वीडियो आउट ऑफ इट एंड आई गॉट सो मच सच अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल. और सब लोग कह रहे थे कि मतलब इट्स समथिंग शुड बी स्पोकन अबाउट, दिस इज अ मैटर विच शुड बी स्पोकन अबाउट. एंड आई फील दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ग्रिप्स म्यूजिक, टू 10 टैलेंट्स एंड टू ऑल माई फ्रेंड्स आउट हियर टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी. यस एंड आई मीन ग्रिप्स म्यूजिक इज द प्रेजेंटर, द वो लोग रिलीज कर रहे हैं. ग्रिप्स म्यूजिक का इतना सपोर्ट हमें मिला है कि एक इंडिपेंडेंट गाने को इस प्लेटफॉर्म में लेके आना इट्स अ बिग टास्क फॉर अ म्यूजिक लेबल टू एक्चुअली यू नो फाइट सो मच टू. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट दे फेल्ट इट देमसेल्फ, उनको भी वो गाने से उन्होंने लिंक किया, दे रिलेटेड टू द सॉन्ग. शायद से कोई ऐसा करता कि हम ऑब्वियसली ग्रिप्स म्यूजिक ने बहुत हमें हेल्प किया है इस पूरे जर्नी में. जो वो नहीं होते तो शायद ये गाना रिलीज भी नहीं होता. Correct. और होता भी तो रीच नहीं होता. तो इनके वजह से जो रीच होने वाला है गाने का और जो प्रोमोज हमने निकाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं हमारे. सो हम वही इंतज़ार करें कि कल गाना रिलीज़ होगा तो कैसा होगा. बेसिकली मैं ग्रुप म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो जब सिद्धांत एंड बादशाह ऑफ कोर्स आई नो हम लोग बहुत दिनों से फ्रेंड हैं. तो जब बादशाह आए कि हमारा एक ऐसा है हम लोग करना चाहते हैं तो मैंने बोला कि हम जबकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को हम सपोर्ट कर रहे थे तो मैंने बोला एक काम करते हैं आप गाना मुझे दिखाओ हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं. तो उसका पूरा रिलीज़ का हमने उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. गाना बहुत ही प्यारा है.